परिचय। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि संचलन सभी जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतु एक से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जब कोई जीव एक स्थान से अन्य स्थान पर जा सकता है तो ये गमन कहलाता है। जब शरीर का केवल एक भाग गति करता है तो ये संचलन कहलाता है। संचलन शरीर के अंदर भी होता है। उदाहरण के लिए, हमारा हृदय सदैव धड़कता रहता है। तो आओ, इस मॉड्यूल में हम गमन और संचलन के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गति के प्रकारों का वर्णन करना, पेशियों और इनके प्रकारों की व्याख्या करना, कंकाल पेशी की संरचना का वर्णन करना, संकुचनशील प्रोटीनों की संरचना पर चर्चा करना, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को वर्णित करना, कंकाल तंत्र का वर्णन करना, संधियों पर चर्चा करना और पेशीय तथा कंकाल तंत्र के विकारों को सूचीबद्ध करना। गति के प्रकार। वह गति जिसमें अवस्थिति या स्थान परिवर्तन हो जाता है गमन कहलाती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में तीन प्रकार की गतियां होती हैं, अमीबीय, पक्षमाभी तथा पेशीय। अमीबीय संचलन। अमीबीय गति होने पर कोशिकाएं अनेक जीव द्रवी प्रक्षेपण या कुकुटपाद कोशिका के आगे की ओर प्रेषित करती हैं। पक्षमाप संचलन। पक्षमाप गति उन अंगों में होती है जो पक्षमाप उपभित्ति से आस्तारित होते हैं। उदाहरण के लिए, श्वास नली में पक्षमापों की समन्वित गति से धूल कण युक्त श्लेष्मा को फेफड़ों से दूर हटाने में सहायता मिलती है। पेशीय संचलन। पेशीय गति मानव शरीर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार की गति है, जैसे कि जीवा की गति इत्यादि। पेशियों की संकुचनशीलता हमें गमन और अन्य प्रकार की गतियां करने में समर्थ बनाती है। पेशी। पेशियां विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो मध्य जनस्तर से उत्पन्न होते हैं। पेशीय ऊतकों में उद्दीपन के पश्चात संकुचन की क्षमता पाई जाती है। पेशियों में निम्नलिखित गुण होते हैं, उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रासार्य तथा प्रत्यास्थता। पेशियां तीन प्रकार की होती हैं, कंकाल, अंतरंग और हृत। पेशियों के प्रकार। कंकाल पेशियां रेखित पेशियां होती हैं जो कंकाल से जुड़ी रहती हैं। ये हमारे शरीर का 50% भार निर्मित करती हैं और ये चलन क्रिया तथा कंकाल को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। ये तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। अंतरंग पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी रुधिर वाहिनियों में तथा शरीर के आंतरिक अंगों में स्थित होती हैं। अंतरंग पेशी कोशिकाओं पर धारियां नहीं होती और इसलिए ये चिकनी पेशियां भी कहलाती हैं। ये तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती और इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। हृदय पेशियां हृदय की पेशियां होती हैं। हृदय पेशी कोशिकाएं प्रायः विशाखित होती हैं। ये अनैच्छिक तथा रेखित होती हैं। कंकाल पेशियों की संरचना। पेशी अनेक पेशी तंतुओं से बनी होती है
जिन्हें पोलिकाएं कहते हैं, जो परिकोशिका कहलाने वाली एक संयोजी ऊतक परत द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। अंतःपेशिका संयोजी ऊतक होता है जो पेशी तंतुओं को एक दूसरे से पृथक करता है। सार्कोलेमा कोशिका भित्ति के तंतु होते हैं जो अंतःपेशिका के नीचे होता है तथा पेशी द्रव्य सार्कोलेमा के नीचे स्थित होता है। प्रत्येक पेशी तंतु में बिलनाकार पेशी तंतुक होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में सैकड़ों से लेकर हजारों तक की संख्या में पेशी तंतुक होते हैं। ये एक्टिन तथा मायोसिन के बंडल होते हैं और पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु पर एकांतर क्रम से हल्की और गहरी रंग की पट्टियां होती हैं। हल्की पट्टी में एक्टिन होता है जिसे आई बैंड कहते हैं, जबकि गहरी पट्टी में मायोसिन होता है जिसे ए या विषम दैशिक बैंड कहते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं, अतः एक्टिन तंतु पतले तंतु जबकि मायोसिन तंतु मोटे तंतु भी कहलाते हैं। पेशी तंतुक अनेक सार्कोमियर इकाइयों से बने होते हैं जो सिरों पर जुड़ी रहती हैं। जेड रेखाएं कहलाने वाली अभिलंबवत प्रोटीन प्लेटें प्रत्येक सार्कोमियर की पार्श्व सीमाएं बनाती हैं। प्रत्येक सार्कोमियर का मध्य क्षेत्र एच जोन कहलाता है जिसमें केवल मायोसिन होता है। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। एक्टिन एक गोलाकार प्रोटीन जी एक्टिन है जो दोहरे कुंडलित तंतुओं यानी एफ एक्टिन में बहुलीकृत होता है। ट्रोपोमाइसिन तथा ट्रोपोनिन पतले तंतुओं के अन्य निर्माणक हैं। ट्रोपोमाइसिन एक्टिन तंतुओं पर पूरी लंबाई में जाते हैं और मायोसिन के बंध बनाने वाले स्थानों को ढक कर रखते हैं। एक मायोसिन तंतु असंख्य एकल की प्रोटीनों से बना होता है जो मेरोमायोसिन कहलाते हैं। प्रत्येक मेरोमायोसिन के दो भाग होते हैं, भारी मेरोमायोसिन यानी HMM तथा हल्का मेरोमायोसिन यानी LMM। भारी मेरोमायोसिन का गोलाकार सिर होता है जो एक्टिन तंतु से जुड़ा भाग होता है। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं जिसे क्रॉस भुजा कहते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। सार्कोमियर के संकुचन एवं शिथिलन की क्रियाविधि सर्पी तंतु सिद्धांत कहलाती है। संकुचन के दौरान सार्कोमियर छोटे हो जाते हैं, हालांकि एक्टिन और मायोसिन तंतुओं का आकार समान बना रहता है। वे एक दूसरे पर खिसकते हैं और पेशी संकुचित व शिथिल होने के साथ अपनी आपेक्षिक स्थितियां परिवर्तित करते हैं। संकुचित करने के लिए कायिक प्रेरक तंत्रिका से एक क्रिया विभव उत्पन्न होता है जो तंत्रिका पेशीय संगम तक जाता है। ये तंत्रिका तथा कंकाल लिए पेशी के बीच का संगम होता है। तंत्रिकाक्ष अंत के विध्रुवण के कारण ये तंत्रिका संचारक एसिटिल कोलीन को तंत्रिका तथा पेशी के बीच अंतर ग्रंथनी विदर में मुक्त करता है। पेशी तंतु तंत्रिका संचारी द्वारा प्रेरित किए जाने के कारण अपना क्रिया विभव उत्पन्न करता है। ये विद्युत संकेत पेशी तंतु की जीव द्रव्य कला से गुजरता है और ये जीव द्रव्य कला की नलिकाकार अंतर्वलनों से भी गुजरता है जो टी नलिकाएं कहलाती हैं। सार्कोप्लाज्मिक जालिका एक कोशिकांग होता है जिसमें झिल्लिका सदृश नेटवर्क होता है। सार्कोप्लाज्मिक जालिका में कैल्शियम आयन संचित होते हैं
और तब उन्हें शेष कोशिका द्रव्य से पृथक कर देते हैं। क्रिया विभव के टी नलिकाओं से गुजरने के साथ सार्कोप्लाज्मिक जालिका कोशिका विलय में कैल्शियम मुक्त करती है। कैल्शियम आयन सार्कोमियर के कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। सार्कोमियर में एक्टिन तंतु मनकों के दो परस्पर गुंथी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। मायोसिन तंतु एक्टिन से मोटे होते हैं और इनके सिरों पर घुड़ी जैसे सिर होते हैं। ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन एक्टिन तंतुओं पर रहते हैं, जबकि मायोसिन के सिरे एडीपी के अणुओं और अकार्बनिक फॉस्फेट से बंधे होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक जालिका द्वारा कैल्शियम मुक्त किए जाने पर कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के अणुओं से बंध जाते हैं। बंध जाने के बाद ट्रोपोनिन अपनी स्थिति में वापस आते हैं और ट्रोपोमायोसिन अणुओं को खींचते हैं। जब ट्रोपोमायोसिन गति करता है तो एक्टिन तंतु की प्रत्येक एक्टिन उप इकाई पर मायोसिन आबंधन स्थल खुल जाते हैं। जब मायोसिन सिरा एक्टिन से जुड़ता है तो क्रॉस सेतु बनाता है। आबंधन के पश्चात पीआई और एडीपी के अणु निर्मोचित हो जाते हैं। मुक्त अणु मायोसिन के सिरों को धुराग्र के लिए सक्रिय करते हैं। एक दूसरे पर सरकने के लिए एक्टिन और मायोसिन तंतुओं पर दबाव डालते हैं। ये संचलन पेशी संकुचन के पावर स्ट्रोक को निरूपित करता है। अतिरिक्त पावर स्ट्रोक के लिए मायोसिन पहले एटीपी से जुड़ती है। जब एटीपी मायोसिन के शीर्ष से जुड़ती है तो शीर्ष एक्टिन तंतु को मुक्त कर देते हैं। एटीपी तुरंत एडीपी और पीआई में जल अपघटित हो जाती है। जल अपघटन द्वारा मुक्त ऊर्जा अगले चक्र के लिए मायोसिन शीर्ष को तैयार करती है। जैसे ही क्रिया विभव घटता है कैल्शियम का स्तर नीचे गिर जाता है और ट्रोपोमायोसिन पुनः मायोसिन बंधन स्थलों को छिपा देता है। एक्टिन और मायोसिन तंतु पीछे सरककर पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। पेशी तंतु के सार्कोमियर मोटर न्यूरॉन से मिलने वाले प्रत्येक संकेत के साथ संकुचित और शिथिल होते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जंतु के शरीर के लिए ढांचा है और ये अस्थियों एवं उपास्थियों का बना होता है। मनुष्य में 206 अस्थियां और कुछ उपास्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र को अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में वर्गीकृत किया गया है। अक्षीय कंकाल, इसमें करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां शामिल हैं। करोटी में 22 अस्थियां होती हैं तथा मनुष्य करोटी में अस्थियों के दो समुच्चय होते हैं, कपालीय और आननी। कपालीय अस्थियां मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक आवरण बनाती हैं। कपाल में 8 चपटी अस्थियां होती हैं, 1 एथमोइड अस्थि, 1 ऑक्सीपिटल अस्थि, 2 पैराइटल अस्थियां, 1 स्फीनॉइड अस्थि और 2 टेम्पोरल अस्थियां। आननी भाग में 14 अस्थियां होती हैं, 2 निम्न नासा शंखिका, 2 लैक्रिमल अस्थियां, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 नासा अस्थियां, 2 पैलेटाइन अस्थियां, 1 वोमर और 2 जायगोमेटिक अस्थियां। हाइआइड अस्थि मुख गुहा के नीचे स्थित होती है। निचले जबड़े की अस्थि जो मैंडिबल कहलाती है करोटी की एकमात्र चलायमान अस्थि है और केवल यही अस्थि करोटी की अन्य अस्थियों से सीधे जुड़ी नहीं होती है। कण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इनकस एवं स्टिपीज, जो सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहलाती हैं। कशेरुक दंड या रीढ़ शरीर के पीछे स्थित होती है और छाती या वक्ष की अस्थियों को जोड़ती है। यह कंकाल का मध्य भाग बनाती है।
ये मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है और करोटी को सहारा प्रदान करती है। कशेरुक दंड को 5 क्षेत्रों, 7 ग्रीवा, 12 वक्षीय, 5 कटी, संयोजित त्रिक और संयोजित अनुत्रिक में विभाजित किया गया है। पहली कशेरुक एटलस है। पसलियां चपटी, संकरी अस्थियां और पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। पहली 7 जोड़ी पसलियां, इनको वास्तविक पसलियां कहते हैं क्योंकि ये सीधे उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। पसलियों का मुख्य कार्य फेफड़ों व हृदय की सुरक्षा करना है। पसलियों की 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ियां कचाव उपास्थि की सहायता से 7वीं पसली से जुड़ी होती हैं। ये कूट पसलियां कहलाती हैं। पसलियों की 11वीं और 12वीं जोड़ी अधर में जुड़ी नहीं होती है, इसलिए वे पलावी पसलियां कहलाती हैं। उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल मेखला और पादों के कंकाल का बना होता है। उच्च पाद अंश यानी स्कंध मेखला से जुड़े होते हैं और निम्न पाद श्रोणि यानी कूल्हा मेखला से जुड़े होते हैं। अंश मेखला में 2 अस्थियां होती हैं, जत्रुक क्लेविकल भी कहलाती हैं और 1 चपटी त्रिभुजाकार अस्थि स्कैपुला कहलाती है। अग्रपाद की अस्थियां हैं ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना। काप्रल्स यानी 8 अस्थियां, मेटा काप्रल्स यानी 5 अस्थियां और फेलेंजेज यानी 14 अस्थियां। श्रोणि मेखला में 2 बड़ी श्रोणि अस्थियां होती हैं जो कॉक्सल अस्थियां कहलाती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि 3 अस्थियों के संलयन से बनी होती है, इलियम, इश्चियम और प्यूबिस। इन तीनों में इलियम सबसे बड़ी होती है और श्रोणि अस्थि का ऊपरी भाग बनाती है। पश्चपात की अस्थियां फीमर सबसे बड़ी अस्थि, टिबिया और फिबुला, टॉर्सल यानी 7 अस्थियां, मेटाटार्सल 5 अस्थियां और फेलेंजेज 14 अस्थियां हैं। संधियां। एक संधि वहां बनती है जहां 2 या अधिक अस्थियां पास पास होती हैं और उपास्थि द्वारा जुड़ी होती हैं। ये संधियां उच्चारण स्थान भी कहलाती हैं। संधियों का वर्गीकरण। ऋषीय संधि, उपास्थि युक्त संधि और साइनोवियल संधि। ऋषीय संधि, ये संधियां अस्थियों को जोड़ती हैं और किसी प्रकार की गति नहीं होने देती। रेशीय संधि दांतों को गर्तिकाओं में स्थित रखती हैं और ये करोटी में भी पाई जाती हैं। उपास्थि युक्त संधि, उपास्थि अस्थियों के बीच रिक्त स्थान को भरता है, इसलिए केवल सीमित गति होने देती हैं। ये संधियां पसलियों में पाई जाती हैं। साइनोवियल संधि, इस संधि में निकटवर्ती अस्थियां 1 गुहा द्वारा पृथक होती हैं। अस्थियों के संधियुक्त सिरे उपास्थि की गद्देदार परत से आच्छादित होते हैं और ये संधियां स्नायुओं द्वारा स्थिर होती हैं। साइनोवियल संधियां गति के लिए बनी होती हैं। उदाहरण के लिए कब्जा जैसी साइनोवियल संधि जैसे कि घुटना और कोहनी, श्रोणि पर कंदुखल्लिका संधि कई तरह की गति करने में सक्षम होती हैं। पेशीय तथा कंकाल तंत्र के विकार। माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक स्वप्रतिरक्षा विकार है जिससे पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पेशीय दुष्पोषण, ये अनुवंशिक रोगों का समूह है जिसके कारण पेशी तंतु क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। अपतानिका, ये असामान्य दशा है
जिसमें गलत कैल्शियम उपापचय के कारण पेशियों में दर्दनाक ऐठन होती है। संधि शोथ, ये शोथ दशा में जो संधियों को प्रभावित करती है। अस्थि सुषिरता, ये एक रोग है जिसमें अस्थियां अत्यधिक छिद्रित हो जाती हैं, जिससे अस्थि भंग की प्रबल संभावना रहती है। गाउट, यह तीव्र संधि शोथ है जिससे संधियों में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। क्या आप जानते हैं ऑस्टियोकैल्शियम प्रोटीन हमारी अस्थियों की मजबूती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थियों के भीतर अस्थि मज्जा में होता है। अस्थियों में 50% जल और 50% ठोस पदार्थ होता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह गति जिसमें अवस्थिति या स्थान परिवर्तन हो जाता है गमन कहलाती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, अमीबीय, पक्षमाभी तथा पेशीय। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, कंकाल, अंतरंग और हृत। पेशी तंतु में पेशी तंतुक कहलाने वाले बेलनाकार अंगक होते हैं, ये एक्टिन तथा मायोसिन के बंडल होते हैं और पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशी तंतु का संकुचन एवं शिथिलन सर्पी तंतु सिद्धांत पर आधारित है। मनुष्य में 206 अस्थियां और कुछ उपास्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र को अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल में वर्गीकृत किया गया है। अक्षीय कंकाल में करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पसलियां शामिल हैं। उपांगीय कंकाल मेखला और पादों के कंकाल का बना होता है। संधियों को रेशीय संधि, उपास्थि युक्त संधि और साइनोवियल संधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। माइस्थेनिया ग्रेविस, पेशीय दुष्पोषण, अपतानिका, संधि शोथ, अस्थि सुषिरता और गाउट पेशी एवं कंकाल तंत्र के विकार हैं।